दोस्तों, आज के दौर में अधिकांश लोग मानव मूल्यों के हास के लिए कलयुग को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में जब भी कभी किसी तरह की बातें सामने आती है तो लोग कहते हैं कि ये सारा कलयुग का प्रभाव है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में भी कहा गया है? ऐसे में इस कलयुग का अंत कब होगा, ये बात हर कोई जानना चाहता है। इस संबंध में सनातन धर्म के कई ग्रंथों में इसके अंत के लक्षणों के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं कलयुग के अंत के लक्षण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युगों का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चार युग होते हैं, सत, त्रेता, द्वापर और कलि। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा, क्या घटेगा, यह स्पष्ट लिखा गया है। इनमें यह भी लिखा है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उससे मनुष्य जाति को बचाएगा। तो आइए जानते हैं पुराणों में कलयुग का व्याख्यान और ये कि कलयुग में सावधान क्यों रहे। दोस्तों, पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणों के जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और इनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। दोस्तों, भविष्योत्तर पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। इस पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संतजन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। दोस्तों, महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे और पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपपति होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उनकी द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे कोई दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। उन सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर ही जीवित रहने की कोशिश करेंगे और कितने ही तो आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। कलयुग में सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और बुरी सोच वाले होंगे और जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने आप को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी और दसों दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को वह बहुए सास को काम करने भेजेगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दम्भी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाए, स्वयं ही आत्म रक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया,
आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। यह भी कहा जाता है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसिक जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। तो दोस्तों, अंत में इस घोर कलयुग से बचने का एकमात्र तरीका ये है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।